So this is my balcony. Uh, ये बहुत छोटी सी बालकनी है बहुत बड़ा नहीं है साइज़ सो इट्स नॉर्मल बालकनी है ये मेरे अंदर uh, मतलब बेडरूम uh, से अटैच्ड बालकनी है तो डेकोरेशन कुछ ऐसा करूँगी कि जो मैं इजिली मतलब डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज़ कर सके प्रॉपरली ये मैंने जो शीट है ये मैंने अमेजोन से खरीदी है परचेज़ किया है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ऑल इसका लेंथ जो है वो मेरे uh, ये जो रेलिंग है उस पर थोड़ा सा छोटा पड़ा है बट स्टिल इट्स फाइन नो प्रॉब्लम मुझे बहुत पसंद आया इसलिए एम गोइंग तो टू यूज़ दिस क्वालिटी इज प्योर कॉटन इट्स वेरी गुड और कलर भी मतलब ऐसा नहीं है कि फेड होगा क्योंकि मैं इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ सो so, uh, ये है अब हम यहाँ पे पूरा डेकोरेशन अपना स्टार्ट करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो सबसे पहले मैं ये रग यूज़ करने वाली हूँ ये रग मैंने नॉर्मल लोकल मार्केट से परचेज़ किया है आप चाहो तो कोई और यूज़ कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू उसके बाद मैंने एक छोटा सा गद्दा लिया है जो उसे बैठने के लिए यूज़ करूँगी अमेज़ॉन पे ऐसा अवेलेबल है मैं उसकी लिंक आपको ज़रूर दे दूँगी इसके ऊपर मैं एक साटन का क्लोथ बिछा रही हूँ आप चाहो तो कोई भी कपड़ा बिछा सकते हो कीप इट जस्ट प्लेन ताकि क्या हो कि आपका जो पीछे शीट लगी हुई है वो इन्हांस हो पाए उसका पिलोस चाहो तो आप बड़े भी ले सकते हो बट क्योंकि ये गद्दा जो है जिसमें बैठने वाले वो छोटा है इसलिए मैंने छोटे पिलोस का यूज किया हुआ है अब हम ये छोटे से स्टैंड लेने वाले हैं लकड़ी के ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं बहुत स्टडी हैं बहुत अच्छे तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी तो मैंने इनको क्या किया है दोनों को एल शेप में ऐसे रखा हुआ है ग जो है ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है आई नो सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें अमेजोन से ही हैं अमेजोन टाइप हॉल टाइप कुछ कुछ होता जा रहा है ये बट स्टिल अमेजोन में बहुत सारी अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें हैं ये मेरे पास पहले से बीन बैग था जो कि मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रूँ एज ए कॉर्नर में बैठने के लिए ये ये जो मैंने ख़रीदा हुआ है गार्डन इज़ फिल्ड विथ लव ये एक छोटा सा प्लेट है जो कि वुडन है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे पौधे रखने वाली हूँ इसलिए मैं इसको इस वॉल पे लगा रही हूँ मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कील जो है वो ऑलरेडी नीडल्स को लगा रखा है तो उस पर मैं ये ये मैंने हैंडमेड बनाया हुआ है ये जो स्क्वायर के हैं लकड़ी से नॉर्मली अब मैं जितने सारे मेरे पास ड्रीम कैचर्स है छोटे बड़े वो सब मैं इस्तेमाल करूँगी मैंने जो ये बेडशीट लगाई है वो भी ड्रीम कैचर डिज़ाइन की है तो मैं चाह रही हूँ कि बहुत जितने ड्रीम कैचर्स हों वो मैं यहाँ लगा दूँ उसके अलावा मैंने ये लाइट भी अमेज़न से परचेज़ की है आ, ये सेल ऑपरेटेड लाइट है तो ये मैं इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बालकनी में कोई भी प्लग नहीं था जहाँ से मैं ये इलेक्ट्रिसिटी वाली मतलब ए करंट वाली लाइट को अप्लाई कर सकूँ लगा सकूँ इसलिए मैंने ये वाली लाइट यूज़ की हुई है तो ये स्टार शेप की है इसमें दो तीन सेल लगते हैं ये भी मैंने अमेज़न से ही ली है सो फाइनली लाइट भी अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है हाँ अब ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो मैंने कुछ कुछ चीज़ें अमेज़न से ही परचेज़ की हैं जैसे ये छोटे छोटे लैम्प ये मैंने अमेज़ोन से लिए हैं तो मैंने अपने पहले तो सारे प्लांट यहाँ पे रख दिए हैं उसके बाद ये लैम्प्स को मैं यहाँ पे रखूंगी ये छोटे छोटे कप भी हैं जिनके अंदर मैं ऑटोमेटिक वाली लाइट लगाऊँगी जो सेल ऑपरेटेड है वो भी मैंने यहाँ पर डेकोरेट कर दी है उसके अलावा ये पेड़ आई डोंट नो मुझे शायद से आई वेंट टू पचमढ़ी वहाँ पर पता नहीं कोई पेड़ का फूल है आई डोंट नो वाट इट वॉट इट इज़ बट मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने रखा है सो so, ये टोटली बालकनी का लुक है जिस तरीके से पूरी बालकनी डे लाइट में दिखने वाली है अब देखते हैं कि नाइट टाइम में कैसी दिखेगी सो लेट्स मूव अब मैं क्योंकि नाइट टाइम है तो मैं सारे लाइट ओपन कर ऑन करके आपको दिखाऊंगी तो ये मैंने यहाँ पे इस वास में लाइट रख दिया है तो इस तरीके से फाइनली पूरा बालकनी का लुक आता है एट नाइट टाइम ये वाली लाइट्स भी मैंने प्रॉपरली चला दी हैं तो आई होप आपको मेरा वी ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा डेकोरेशन पसंद आया होगा अगर आया है तो डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल